टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो एक ट्रांसल्यूसेंट पार्टीशन होता है बिटवीन एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर। यहाँ पे मैंने आउटर और इनर लिखा है ताकि आपको पता चले कि इसकी पोजीशन कैसी है। जो इसका एंगल होता है विद द फ्लोर ऑफ मियाटस वो होता है 55 डिग्री। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फॉरवर्ड, डाउनवर्ड्स एंड लेटरली, इट्स मीन ऑब्लिकली ये सिचुएटेड होता है। अगर हम इसको अगर अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन समझते हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड एंड लेटरली। इसका जो आउटर सरफेस है वो कनकेव होता है और जो इनर सरफेस होता है वो कन्वेक्स होता है। सबसे ज़्यादा कन्वेक्सिटी होती है इनर सरफेस की, उसे हम कहते हैं अम्बो। और यहीं पे जो हमारा टिप होता है मैलियलस के हैंडल का वो अटैच होता है। अगर हम इसका 2D शेप देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो सर्कमफेरेंस है इसका ये इस तरह से काफ़ी थिक होती है और ये सल्कस से अटैच होती है जो कि हमारे टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है। मगर सुपीरियरली ये जो सल्कस होता है डेफिशिएंट होता है जिसकी वजह से ये नॉच होता है बोन पे उससे जाके अटैच होती है। और जो नॉच होता है उसे हम क्या कहते हैं टिम्पैनिक नॉच। इसे दो फोल्ड निकलते हैं, एक होता है इंटीरियर फोल्ड और एक होता है पोस्टीरियर फोल्ड मैलुलर फोल्ड जो कि हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आके टच होते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे हमारा मैल्यूलस होता है उसका एक लेटरल प्रोसेस होता है वो जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है वहीं पे ये दोनों फोल्ड भी आके एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये हो गया हमारा एंटीरियर मैल्यूलर फोल्ड और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड। ड्यू टू दिस क्या होता है कि जो हमारा सल्कस से अटैच हुआ वो तो एकदम टाइटली स्ट्रेच रहता है, उसे हम कहते हैं पार्स टेंसा। और जो बिटवीन टू मेल्युलर फोल्ड होता है वो थोड़ा फ्लैसिड होता है, इसे हम कहते हैं पार्स फ्लैसिडा, पार्स फ्लैसिडा एंड पार्स टेंसा। जब हम इंटरनली देखेंगे तो जो पार्स फ्लैसिडा है वहां से हमारी कॉर्डा टिम्पैनी निकलती है इंटरनली। और जो हमारा पार्स फ्लैसिड है ड्यू टू इट्स फ्लैसिडिटी और लैक्सिडिटी ये पार्स टेंसा से ज़्यादा प्रोन होता है रप्चर होने में। अगर हम अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कोरोनल प्लेन में कट करते हैं तो इसकी 3 लेयर हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पे समझने के लिए आउटर और इनर एस्पेक्ट बता दिया गया है। तो सबसे पहली मेम्ब्रेन होती है आउटर क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल इज बेसिकली वो लेयर होती है या मेम्ब्रेन होती है जो कि वाटर को प्रिवेंट करती है या वाटर रिपेलेंट होती है। फिर मिडल लेयर आती है जो कि होती है मिडल फाइब्रस लेयर। और तीसरी होती है इनर म्यूकस लेयर जो कि लाइंड होती है बाय द सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथीलियम। फाइब्रस लेयर होती है वो डिवाइड होती है दो लेयर्स में, एक होती है डीप सर्कुलर और एक होती है सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स से बनती है। इसका क्लिनिकल देखते हैं तो जब हमारा जो एक्सटर्नल एक्वाइटिस मियाटिस है उसके अंदर अगर वैक्स जमा होता है तो हमें उसकी वजह से इचिंग होती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू वैक्स। तो हम क्या करते हैं कि हम बाहर से वाटर सिरिंज से वाटर डालते हैं जिसकी वजह से ये पस पूरा या इसकी कनकेविटी की वजह से पानी वापस मोड़ के आता है और इस पस को पूरा बाहर निकाल देता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिरिंजिंग ऑफ ईयर। एक और इसका क्लिनिकल है कि जब हमें मिडल ईयर से पस निकालना होता है तो हम जो इसका पोस्टेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट है उसको इंसाइज करके फिर उसमें से पस निकाला जाता है। ये हो गया हमारा पोस्टेरो सुपीरियर, ये एंटेरो सुपीरियर, एंटेरो इन्फीरियर एंड दिस इज पोस्टेरो सुपीरियर। तो जब हमारा पस मिडल ईयर में भर जाता है तो उसको
हमें निकालने के लिए पोस्टेरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में इंसीजन करना पड़ता है ताकि हम पस को बाहर निकाल सके। तो जो क्वाड्रेंट टिम्पन है, हमारी नर्व जा रही थी, वो भी डैमेज हो सकती है, तो उसका हमें खास ध्यान रखना होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मायरिंगोटोमी।